नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अब मेरे कुछ साथी मेरी इस बात पे हंसेंगे जब मैं कहूंगा कि स्टार्स होते हैं जिंदगी में, कुछ ग्रह होते हैं। मेरे कुछ साथी हैं, वो मेरी बात से बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि तुम क्या ये अंधविश्वास फैलाते हो। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे ज्योतिष पे यकीन है। मैं पक्का मानता हूँ कि कोई ना कोई स्टार होते हैं जो कभी आपको बहुत ऊपर ले जाते हैं और कभी आपको बहुत एकदम धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। और एक बात मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि जब आदमी ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है तो एक मुकाम ऐसा आता है जब ऊंचाई ख़त्म हो जाती है और फिर आप नीचे नीचे उतर रहे होते हैं। तो कहा भी जाता है कि जब वो आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और जो लोग उतर रहे हों तो उनका सम्मान करिए, क्योंकि एक दिन आपको भी उतरना है। लेकिन होता है क्या, जब आदमी पे बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी ताकत होती है, बहुत सारी ताकत वाली सत्ता होती है, तो उसको अपना ईश्वर होने का बोध हो जाता है कि मैं तो ईश्वर हूँ, ईश्वर का अवतार हूँ, मतलब भगवान मेरे अंदर है, मैं जो कह रहा हूँ वही अहम ब्रह्मास्मि। हमारे प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कि इसी इसी भावना का शिकार हो गए। और मुझे वो दौर याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को सत्ता मिली थी तो सच में लोग उनको भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। बहुत पढ़े लिखे लोग कहते थे कि ये तो भगवान विष्णु का अवतार है। मतलब मेरे एक IPS मित्र हैं, DGP भी हो गए थे वो, तो वो कहते थे, मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने इतनी कुछ खबर लिखी थी, कैसी बात कर रहे हो संजय जी, प्रधानमंत्री को तुम देखा करो, वो भगवान विष्णु का अवतार है। और भगवान विष्णु जी के अवतार जी का क्या हाल हो रहा है, ये मैं और आप दोनों देख रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि व्यक्ति का अहंकार जो है वो उसको बहुत नीचे ले जाता है। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताऊं, मेरा एक पत्रकार मित्र था। मित्र क्या, मेरे यहाँ काम करने आया था, मित्र जैसा हो गया था। तो वो एक दिन एक दरोगा को हड़का रहा था किसी बात पे, आप जानते नहीं मैं पत्रकार हूँ उसने। तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने उससे कहा कि देखो एक बड़ी सामान्य सी बात समझ लेना कि ये जो सिपाही होता है ना, ये एक दिन वर्दी उतारेगा और वर्दी उतारने के बाद ये कलम डायरी उठाएगा और ये पत्रकार हो जाएगा। और तुम 2 साल तक पढ़ते रहोगे तब भी तुम सिपाही नहीं हो सकते। तो अहंकार मत हो कि तुम पत्रकार हो, तुम बहुत ताकत में हो तो तुम किसी का नुकसान कर सकते हो। विनम्रता का भाव रखो, तुम कितने भी ताकत में हो, कितना भी पैसे में हो, क्योंकि विनम्रता तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। मुझे लगता है कि सत्ता का भी यही नशा होता है। जब सत्ता में होता है आदमी तो उसे दुनिया बहुत गोल गोल नजर आती है, लेकिन फिर एक झटका लगता है, और एक झटका लगता है ऐसा कि फिर उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं। जो देश के हालात है, मैं आज अभी की आज की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रधानमंत्री जी ने गए थे वो एक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। अब देखिए कुछ बातें ना मैं बिल्कुल सहज भाव से पूछता हूँ, मतलब किसी को बुरा लग जाता है कि मैं आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात अगर गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मैं किसमें क्या गलत कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री गए एक सरकारी कार्यक्रम में, गए एक उनको एयरपोर्ट का उद्घाटन करना था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट का उद्घाटन में कितने रुपए खर्च हुए होंगे। आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे 1-2 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। एक उद्घाटन में मेरी जानकारी के हिसाब से 50 से 100 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे इस कार्यक्रम में। अगर सब मान लीजिए उनके सिक्योरिटी, उनके फूल, उनके सज्जा, उनके एयर कंडीशन, टेंट वेंट, तो ये सरकारी कार्यक्रम है। मतलब इसका जो बिल है वो सरकार ने वहन किया होगा, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। तो सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं। तो सरकारी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल है कि आप जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेने आएगा। राजस्थान में हमने कई बार देखा विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं गहलोत, लेकिन आते हैं। छत्तीसगढ़ में आते हैं, सरकारी कार्यक्रम होता है, उसमें दोनों बैठते हैं, उसमें राजनीतिक बातें नहीं होती। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, प्रधानमंत्री जी की जो बातें थी, आज मैंने प्रधानमंत्री जी को इतना बदहवास शायद मैंने पिछले 2-3-4 सालों में कभी नहीं देखा। उनकी बातें, उनकी बातों की शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब इतना भ्रमित कर रही थी कि आप भी देख रहे हैं कि ये वही प्रधानमंत्री हैं। और ये तब होता है जब आदमी घबराया हुआ होता है, आदमी को डर लग रहा होता है। भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने एक लाइन में लगी कहा दी, ये विपक्ष जो है ये भ्रष्टाचार के जनक हैं और भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। अब प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आता, कोई बताता नहीं है उनको कि जब से महाराष्ट्र में अजीत पवार को साथ लिया है, उनका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ रही है। जो उनकी भक्तों की टोली है वो भी बचाव में नहीं आ पा रही, कि आप एक तरफ कहते थे चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग, और वो अजीत पवार को जो आप कह रहे थे कि 80,000 करोड़ का घोटाला है, लाखों करोड़ के NCP ने घोटाले लिए हैं, वो आपके साथ आ गया, आपके सहयोग में आ गया। तो प्रधानमंत्री जी अभी अभी 15-20 दिन हुए हैं, वो चक्की पिसिंग वाला आपका डिप्टी CM हो गया,
और आप आज बात कर रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, भ्रष्टाचारी उधर नहीं इधर इकट्ठे हो रहे हैं, आप इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरा, शेर का फोटो लगा के कहते थे बीजेपी के लोग, शेर आया शेर आया, वो वास्तव में ठीक बात भी थी। प्रधानमंत्री अपने दम पर अपने चेहरे पर चुनाव जिता दिया करते थे, ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका के सदस्य का चुनाव हो, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, विधायक की हो, सांसद ही हो, यह माना जाता था कि मोदी जी का चेहरा लगा है तो चुनाव जीतने की गारंटी। लेकिन महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा लगा दिया और मोदी जी का नाम ले दिया। मजे की बात यह है कि पड़ोस में कैंडिडेट खड़ा होता था और मोदी जी चुनावी भाषण में कहते थे तुम वोट इसको नहीं वोट मुझे दोगे, तुम इसका चेहरा मत देखो वोट मोदी को देना है, वो लोग वोट दे दिया करते थे। महाराष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री जी आज के जो हालात बन गए हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठे करके शपथ दिला दी गई है, डिप्टी सीएम बना दिया गया है, आज अगर प्रधानमंत्री जी ये लाइन महाराष्ट्र में कह दें कि इसका चेहरा मत देखो मुझे वोट करना, तो डिब्बा गोल हो जाएगा, जमानत हो जाएगी, जब्त हो जाएगी उस कैंडिडेट की, कि महाराष्ट्र के लोग नाराज है। गुजरात में उठा उठा के महाराष्ट्र का माल गुजरात पे भेजा, महाराष्ट्र भड़का हुआ है। तो प्रधानमंत्री आज उनको उनको आलोचना कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, सारे बेईमान इकट्ठे हो गए। तो लोगों ने ट्रोल किया कि महाराज जमात तो आप ले गए, पहली बार ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया पे उनका कब्जा था, सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा था। 2014 और 2019 की जीत में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। और प्रधानमंत्री जी आज क्या कह रहे हैं, मैं छोटा सा भाषण सुनवाता हूँ, सुनिए। सब लोग ये भाषण काट के इतना ही हिस्सा ट्रोल कर रहे हैं, सुनिए प्रधानमंत्री जी को। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। नेबल लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है, पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है, इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई
करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। सुना आपने, ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बढ़िया बढ़िया आपसे बातें कर रहे थे। अब आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि अब गठबंधन उधर बड़ा हो जा रहा है, जनता में मैसेज आ रहा है कि 26 दल इकट्ठे हो गए। प्रधानमंत्री जी के इस अहंकार के कारण, लोगों को तबाह कर जाने के कारण बेंगलुरु में 26 दल इकट्ठे हो गए। आप ना बिल्कुल संबंधों का, रिश्तों को लिहाज नहीं करेंगे, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को घर के चपरासी की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो होना ही था। इकट्ठे हुए तो फिर साहब ने हुक्म दिया कि भाई हमारे यहाँ भी दल जोड़ो। मैसेज आना चाहिए कि हमारे यहाँ उनके 26 हुए, हमारे 38 हुए हैं। तो ढूंढ ढूंढ के नेता पकड़े गए, और नेता पकड़ने में सबसे बड़ी गलती कर गए, दलों की संख्या बढ़ानी थी तो यूपी से ओपी राजभर को बुला लिया। अब ये भूल गए कि ओपी राजभर की पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक है। तो 2 दिन से सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि अब तो मुख्तार अंसारी मोदी जी का पार्टनर हो गया। योगी विचारों ने जितनी ब्रांडिंग की थी अपनी माफियाओं की, माफियाओं के बुलडोजर की, एक झटके में ये 38 की भीड़ इकट्ठे करने के चक्कर में सब तबाह हो गया। बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में है, ओपी राजभर का स्वागत करना ट्वीट, ना फेसबुक, ना कमेंट, ना बातचीत, ना भाषण में जिक्र। एक तो इमेज खराब हुई कि मुख्तार अंसारी आपका पार्टनरशिप में आ गया, योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति आ गया। अब लोग ओपी राजभर का भाषण तलाश कर करके वायरल कर रहे हैं। तो ये ओपी राजभर जो मोदी जी के साथ चाय पी रहे हैं, जो गलभैया कर रहे हैं, जो एनडीए की बैठक में चले गए, जो हिस्सा हो गए, मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। ये चुनाव के वक्त का माहौल है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का वक्त का माहौल था, और ओपी राजभर जी ने मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए, एक समय जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, क्या क्या कहा आप सोच नहीं सकते। फिलहाल ये मंच का एक भाषण है, जरा सुनिए। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था, ऐ देश के गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चलाऊंगा। और जहाजियों बेच दिया, जहाज भी बेच दिया। बहुत भाषण देते हैं, इन्होंने कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो मिलल 2 करोड़ रोजगार मिला, नहीं मिला। ये है भाजपा का खेल। इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपया गरीबों तेरे खाते में देने के लिए, और सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाई जाती है।
और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आएंगे, फिर तमाम तरह की बातें आपके बीच में करेंगे, इनसे सावधान होने की जरूरत है। तो ये देखिए, ये ओपी राजभर है, खुलेआम कह रहे हैं सब बेच दिया, रेलवे बेच दिए, ये बेच दिया, वो बेच दिया। अब मोदी जी इनको अपने संग बिठा के कह रहे हैं कि हमारा 38 दलों का गठबंधन है और हम हरा देंगे। नाम भी विपक्ष के लोगों ने गठबंधन में बहुत बढ़िया रखा, इंडिया, यानी मुकाबला इंडिया बनाम एनडीए होगा। अब मोदी जी को सीखना चाहिए, कुछ दल ऐसे इनमें आपस में नहीं बनती, जैसे केजरीवाल की कांग्रेस की नहीं बनती, कांग्रेस की ममता बनर्जी की नहीं बनती, खूब विरोध है ममता बनर्जी का। मीटिंग शुरू हुई तो सोनिया गांधी एक ऐसी महिला जिसके लिए नाम से दिल में सम्मान उमड़ता है, उस महिला पे क्या क्या खराब टिप्पणी नहीं की गई, उसको बार वाला, उसको विदेशी डांसर, क्या क्या गंदे शब्द नहीं किए उस महिला के लिए जिसने अपने पति के चिथड़े चिथड़े की लाश अपने हाथ में ली थी, जैसे अपनी सास को हत्या उसकी देखी थी। वो अद्भुत महिला है सोनिया गांधी, बहुत कम बोलती हैं। तो मीटिंग शुरू हुई, ममता बनर्जी दूर थी, हाथ पकड़ के ले आई, अपने पास में बिठाया और सब इंतजार कर रहे हैं। 15-20 मिनट तक सोनिया गांधी ममता बनर्जी से हंसते हंसते प्यार से बात करती रही, रिश्तों की बर्फ पिघल गई, ममता बनर्जी भी खुश आ रही थी। ये बड़प्पन होता है नेता का, तकरार कितनी सही, लेकिन सोनिया गांधी गई, ममता जी का हाथ पकड़ा, ममता बनर्जी सोनिया गांधी के बीच में। अब आप मुझे उन पलों का बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी अमित शाह का भी ऐसे हाथ पकड़ा है। येदुरप्पा के सामने भी 90 अंश के कमर तब झुकाई उन्होंने जब लगा कर्नाटक में अगर येदुरप्पा ने हाथ ही रखा सिर पर तो जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तो केवल कर्नाटक में 30 सीटों पर जमानत जब्त हुई, अगर प्रधानमंत्री येदुरप्पा के सामने, जिन येदुरप्पा को उन्होंने ढक्कन टाइप का बना दिया था, अगर प्रधानमंत्री जी उन येदुरप्पा के कमर झुका कर सलाम नहीं करते तो शायद 50-60 सीटों पर जमानत जब्त हो जाती। लेकिन इतने प्यार से बातचीत करते हुए कभी प्रधानमंत्री को आपने राजनाथ सिंह के संग सुना है, आपने नितिन गडकरी के सुना है, बड़े से बड़े नेताओं का आप नाम ले लीजिए, कभी आपने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के नेताओं से इतने सहज भाव से सुना है? तो जब आप हिटलर की भूमिका में आ जाएंगे, जब आप एक तानाशाह की भूमिका में आ जाएंगे, आप कहेंगे विपक्ष को छोड़ो आपकी पार्टी के लोग भी आपसे डरे, तो फिर केमिस्ट्री वैसी होती है जैसे यूपी में दिखाई दी। मंच पे गडकरी थे, मंच पे राजनाथ थे, मंच पे योगी आदित्यनाथ थे, कहा जा रहा है ये तीन लोगों की केमिस्ट्री अब ऐसी बन रही है तो सारा 9 साल का 10 साल का हिसाब किताब मोदी से बराबर करने पे तुरी हुई है पार्टी के अंदर। तो मुझसे एक बड़े नेता ने कहा था कि देखना भाजपा को भाजपा ही खत्म करेगी, वो मुझे दिख रहा है। जरा ये छोटा सा वीडियो देखिए, मंच पे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, गडकरी, केमिस्ट्री देखिए। अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें। तो आपने वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है और बॉडी लैंग्वेज कितनी सहज थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, फिर मोदी ने कहा कि परिवारवाद है, एक ही परिवार की पार्टी। तो मुझे एक सज्जन ने एक भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद का एक नाम लिखा हुआ नेताओं का भेजा है, पोस्टर है जो लगा है, उसमें पहला नाम लिखा है उन्होंने अमित शाह बेटा जय शाह, राजनाथ सिंह पुत्र पंकज सिंह, नारायण राणे पुत्र नीलेश राणे, सोनेलाल पटेल बेटी अनुप्रिया पटेल, मादर ऑफ सिंधिया बेटा ज्योतिराज सिंधिया, गंगाधर फडणवीस बेटा देवेंद्र फडणवीस, एक लंबी लिस्ट बना के भेजी है, प्रेम कुमार धूमल बेटा अनुराग ठाकुर, वेद प्रकाश गोयल बेटा पीयूष गोयल, और अर्जुन पवार भारती प्रवीण पवार, किरण रिजू के पिताजी का भेजा है, शिशिर अधिकारी का बेटा शुभेंद्र अधिकारी जो ममता बनर्जी छोड़ के आ गए हैं, सीपीएम सिंह के बेटे आरपीएम सिंह जो आ गए। ये लंबी सी लिस्ट है परिवारवाद की, जो बीजेपी का परिवारवाद है। तो एक ये आप देख रहे होंगे मैंने लगा दी है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान के परिवार का, उनके पिताजी का, राव इंद्रजीत का नाम है, शांतनु ठाकुर का नाम है, आकाश वाजपेयी विजय वर्गीय का नाम है, जितेन प्रसाद का नाम है। ये एक लंबी से जो पोस्टर देख रहे हैं आप, ये बताइए ये सब परिवारवाद है बीजेपी में है। तो वो तुम्हारी कमीज सफ़ेद मेरी कमीज से कैसे वाला भाव है ना, तो तुम करो तो हम करें तो कलेक्टर ढीला, तुम करो तो रास ढीला, ये जो पिक्चर का डायलॉग था वही बीजेपी की आज की राजनीति की कहानी हो रहा है। लेकिन अब मुकाबला कड़ा हो रहा है, विपक्ष सहज भाव से बैठा है और कह रहा है कि
हमें इस अहंकार को, हमें इस केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को, इसको खत्म करना है। और जो आज बोला है प्रधानमंत्री जी ने, तो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव हो गई है। किसी जमाने में जो एक्टिव टीम बीजेपी की होती थी वो कांग्रेस की है। सुप्रिया श्रीनेत हैं, जो बोला है उन्होंने, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ट्वीट किया है उन्होंने। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 9 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी जी के अंदर ये दम नहीं है कि अपने काम पर वोट मांग लें। आज भी वो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री की नाक के नीचे देश का सबसे बड़ा अडानी महाघोटाला हुआ, उसकी हिम्मत कैसे है भ्रष्टाचार पर अपना मुंह खोलने की? जो प्रधानमंत्री पानी पी पी कर विपक्ष के कुछ नेताओं को भ्रष्टाचार पर कोसे और फिर कुछ घंटों बाद पार्टी तोड़कर उन्हें अपनी सरकार में शामिल करे, वो दोहरे मापदंड का जीता जागता सबूत है। अब विपक्ष को एक साथ देखकर मोदी जी का गला सूख रहा है तो हमलावर दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 9 साल से ऊपर सत्ता में आप हैं, अगर एक भी असली केस होता तो आप कुछ कर पाते, छोड़ देते। आपके बदले की भावना से प्रेरित केस भी आपकी बातों की तरह फर्जी और निराधार है। और लगे हाथ एक बात जरूर बताइएगा मोदी जी, एक बात जरूर बताइएगा, बड़ा सीना ठोक कर चलाते हैं एक अकेला, तो अब 38 लोगों की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्यों 38 लोगों दलों का गठबंधन बना रहे हैं? कब तक आंखों में धूल झोंक कर और लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी दुकान चलाते रहिएगा? लेकिन आपका ये डर देखकर अच्छा लगा, जनता का यह खौफ तो होना ही चाहिए, खास तौर से उस जनता का जिसे आपने 9 साल से ज्यादा समय से ठगा है। तो अब ये तीखे ट्वीट प्रधानमंत्री जी को झेलने पड़ रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कोई और खुद नहीं, खुद प्रधानमंत्री की राजनीति है। जिस तरह से उन्होंने एक तानाशाही चलाने की कोशिश करी, उसका परिणाम है, और मुकाबला बहुत कड़ा होता जा रहा है। पुलवामा हुआ था 2019 में, हिंदू मुसलमान की लड़ाई 2019 में तनाव पैदा किया गया था, तब भी 37% वोट पड़े थे 37, और 63% वोट दूसरी तरफ थे। अब वो 37% पर लगभग सारे लोग एक साथ बैठ गए हैं, तो जाहिर है भाजपा के लिए बहुत बड़ी परेशानी, खतरे की घंटी है। अब मुकाबला कैसे करेंगे? अब ये जो एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां करी हैं ईडी के ऊपर शराब घोटाले को लेकर, तो चंद्रचूड़ बैठे हैं वहां पे, वहां भी रहा आसान नहीं है। तो जाहिर एक कहावत की जाती है, जो बोएंगे आप वही काटेंगे। क्या होगा मैं बताता रहूंगा, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।